अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। नॉर्मल डिलीवरी हो जाए उसके लिए उलमा ने लिखा है कि 160 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कागज पे लिख के तावीज बना के बीवी को दे दो। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह की बरकत से हर चीज आसान हो जाती है ना। कहते हैं कि मैंने सुना है कि दारुलूम देवबंद हुजूर के हुक्म से बनाया गया। उलमा ने ख्वाब की बात है, हकीकत की बात तो है नहीं। हुजूर की पहले तकरीबन यूँ समझें कि 1200 साल पहले वफात हो गई, तो हुजूर ने तो माने ये बात। उलमा कहते हैं ख्वाब देखा था किसी बुजुर्ग ने, मेरी तबीयत ख़राब है जब से शादी हुई है, घर में परेशानी है, झगड़े हैं, हालांकि तिलावत भी करती हूँ, वज़ू में भी रहती हूँ, घर में ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। ये तुम ज़्यादा नेकी करती हो ना, इसीलिए झगड़े हैं। तुम तो बन गई ना मौलवानी, तो खावन बेचारा क्या करे। वो एक आदमी गया ना जी, तो रिश्ते के लिए, तो उसने कहा जी हमारी बच्ची जो है ना जी वो बड़ी आलिमा बड़ी फाजिला। उसने कहा हजरत मैंने मदरसे में भी मस्जिद में इमाम नहीं बनाना, मुझे बीवी चाहिए। तुम भी बीवी बन के रहो, ज्यादा ज्यादा तहज्जुद देना पड़ो, नफिल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मेकअप शेकअप श्रृंगार श्रृंगार करके अपने खावन को खुश रखो, कोई झगड़ा नहीं होगा। शरीयत के मुताबिक हम वफात से पहले अपनी जायदाद बच्चों के नाम कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जब मरने के बाद देनी है ज़िंदगी में भी कर सकते हैं।